डाम में तकरीबन 7 केसेस डिस्कस कर लिए थे। आज केस नंबर 8 विच इज द लास्ट केस ऑफ दिस एक्सरसाइज, 9th केस नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट नंबर 8 फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू द intersection of L1 and L2 L1 is equal to 2x plus 7y plus 8 minus 8 and L2 is 3x plus 2y plus 5 is equal to 0. And making an angle of 45 degrees with a line L3 which is equal to 2x plus 3y minus 7 is equal to 0. Find the equation of a line passing through the intersection of two given lines L1 and L2 and making angle 45 degree with another line L2. अब अगर फर्ज करें L1 और L2 के इंटरसेक्शन में से ये लाइन पास हो रही है ये है L1, ये है L2. लाइन इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2 and it makes an angle of 45 degree with third line L3. So the required line, it is L1 plus K time L2 is equal to 0. L1 is equal to 2x plus 7y minus 8 plus k multiplied by L2 is 3x plus 2y plus 5 is equal to 0. यही आपका रिजल्ट है, बस इसमें k की वैल्यू मालूम नहीं है। k मालूम करने के लिए आपको इसके स्लोप की जरूरत होगी। आप इसे y is equal to mx plus c से कंपेयर करें, 2x plus 7y minus 8 plus 3kx plus 2ky plus 5k is equal to 0. 2x plus 3x, x common लें, 2 plus 3k multiplied by x plus y common में 7 plus 2k
multiplied by y plus 5k minus 8 is equal to 0. So 7 plus 2k multiplied by y is equal to minus 2 plus 3k into x plus 8 minus 5k. इसका मतलब y बराबर हो जाएगा 7 प्लस 2k को भी शिफ्ट करें माइनस 2 प्लस 3k डिवाइडेड बाय 7 प्लस 2k इनटू x प्लस 8 माइनस 5k डिवाइडेड बाय 7 प्लस 2k. आप इसे कंपेयर करें विद y इज इक्वल टू mx प्लस c. This implies slope of line. It is equal to minus 2 plus 3k divided by 7 plus 2k. ये हो गया slope of required. आप अपनी आसानी के लिए इस स्लोप को एन वन कहते हैं. रीजन उसकी ये है भाई कि आप केस यूज करेंगे केस वन केस टू थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स प्लस माइनस एम टू माइनस एम वन डिवाइडेड बाय वन प्लस एम वन एम टू. बजाय स्लोप ऑफ एल लिखने के या स्लोप ऑफ एल थ्री लिखने के बार बार हम इन स्लोप्स को अपनी आसानी के लिए एम वन और एम टू कह देते हैं. तो मैंने स्लोप ऑफ लाइन को एम वन कह दिया. नाउ कम टू एल थ्री एंड फाइंड इट्स स्लोप. कंसीडर एल थ्री. एल थ्री की इक्वेशन थी 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0. सो 3y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 7. y इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 3 इनटू x प्लस 7 अपॉन 3. आप इसे भी कंपेयर करें विद जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c. इसका मतलब स्लोप ऑफ l3 it is equal to minus 2 upon 3. आप अपनी आसानी के लिए इसे m2 कहें. अब इन दोनों के दरमियान एंगल दे रखा है 45 डिग्री. अब 45 डिग्री को यूज करने के लिए आपके पास दो केसेस हैं केस 1 एंड केस 2. वन बाय वन ये केसेस यूज करें. केस नंबर वन थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एम टू माइनस एम वन डिवाइडेड बाय वन प्लस एम वन एम टू. टेंजेंट इनवर्स को शिफ्ट कर दें तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एम टू माइनस एम वन डिवाइडेड बाय वन प्लस एम वन एम टू. अब आपको थीटा की वैल्यू दे रखी है 45. एम वन एम टू आप फाइंड कर चुके. स्लोप ऑफ एल को आपने एम वन कहा था, स्लोप ऑफ एम थ्री को आपने एम टू कहा था. ये वैल्यूज पुट कर ले तो टेंजेंट थीटा इज 45 डिग्री. एम टू इट इज माइनस टू अपॉन थ्री माइनस एम वन. एम वन इज इक्वल टू माइनस टू प्लस थ्री के डिवाइडेड बाय सेवन प्लस टू के. फोर डिवाइडेड बाय वन प्लस एम वन. एम वन इज माइनस टू प्लस थ्री के
divided by 7 plus 2k into m2, which is minus 2 upon 3. अब tangent 45 ये तो है 1, लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे जो डिनोमिनेटर है उसे लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें, 1 प्लस माइनस इनटू माइनस प्लस 2 इनटू 2 प्लस 3 के अपॉन 3 इनटू 7 प्लस 2 के is equal to minus 2 upon 3 plus 2 plus 3k divided by 7 plus 2k. Numerator, dono side pe aap LCM le. LCM aa gaya 3 multiplied by 7 plus 2k. 1 se multiply hua to 3 into 7 plus 2k plus 2 multiplied by 2 plus 3k. Right side to the LCM length to 3 multiplied by 7 plus 2k is the LCM. 3 cancel. Minus 2 into 7 plus 2k plus 3 multiplied by 2 plus 3k. So, ab isko mazid simplify kare. ये 3 तो हो गया कैंसिल, 7 प्लस 2 के दिल तो चाह रहा होगा या आप इसे कैंसिल कर दें, लेकिन कैंसिल कीजिएगा नहीं क्योंकि k की वैल्यू फाइंड करनी है. जब आप k का एक फैक्टर कैंसिल कर देंगे तो एक वैल्यू कम हो जाएगी. मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया भाई 21 प्लस 6k प्लस 4 प्लस 6k डिवाइडेड बाय 7 प्लस 2k इज इक्वल टू माइनस 14 माइनस 4k प्लस 6 प्लस 9k डिवाइडेड बाय 7 प्लस 2k. नाउ इट इज इक्वल टू 12k प्लस 25 divided by 7 plus 2k, it is equal to 5k minus 8 divided by 7 plus 2k. Cross multiply then 12k plus 25 multiplied by 7 plus 2k, it is equal to 5k minus 8 multiplied by 7 plus 2k. So 7 plus 2k can be taken common. Balki aap pehle shift kare 12k plus 25 multiplied by 7 plus 2k minus 5k minus 8 multiplied by 7 plus 2k is equal to 0. Aap 7 plus 2k in dono terms mein se common le sakte hain. Common mein seven plus 2k can be taken common. Baki bach gaya 12k plus 25 minus 5k minus 8. So 7 plus 2k multiplied by 12k plus 25 minus 5k plus 8. Ye ho gaya 7 plus 2k multiplied by 7k plus 33.
is equal to 0. Either first factor is equal to 0, yani 7 plus 2k is equal to 0. So k is equal to minus 7 upon 2. Or 7k plus 33 is equal to 0, so k is equal to minus 33 divided by 7. K की ये values one by one आप put करें equation alpha में. Therefore, required line which is alpha, वो थी 2x plus 7y माइनस 8 प्लस k मल्टीप्लाइड बाय 3x प्लस 2y प्लस 5. k की फर्स्ट वैल्यू पुट करें तो 2x प्लस 7y माइनस 8 प्लस इनटू माइनस माइनस 7 अपॉन 2 इनटू 3x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0. 2 एलसीएम लें और राइट साइड पे शिफ्ट कर दें तो 2x प्लस 7y माइनस 8 माइनस 7 इनटू 3x प्लस 2y प्लस 5. ये हो गया भाई 4x प्लस 14y माइनस 16 माइनस 21x माइनस 14y माइनस 35 इज इक्वल टू 0. इट इज माइनस 17x plus 14y minus 14y cancel. Minus 51 is equal to 0. Minus 17 can be taken common. So you left x plus 3. Minus 17 aap common lenge. You left x plus 3. इसका मतलब x plus 3 is equal to 0. Minus 17 को shift करें. ये एक केस हो गया. दूसरा केस, again we write 2x plus 7y minus 8 plus k multiplied by 3x plus 2y plus 5 is equal to 0. Second possible value, we put current. So 2x plus 7y minus 8 plus k is equal to minus 33 upon 7 multiplied by 3x plus 2y plus 5 is equal to 0. आप 7 एलसीएम लें, 7 मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 7y माइनस 8 माइनस 33 मल्टीप्लाइड बाय 3x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0. इट इज 14x प्लस 49y माइनस 56 माइनस 99x माइनस 66y माइनस 165 is equal to 0. ये हो गया भाई 14x minus 99x, it is minus 85 plus 49y minus 66y is minus 17y. Minus 56 minus 165 is minus 221 is equal to 0. Minus 17 can be taken common. You left 5x plus y plus 13 is equal to 0. 5x plus y plus 13 is equal to 0. Ye ho gayi second possible equation. तो ये था केस नंबर वन. अब आप इसी तरह केस नंबर टू पे काम करेंगे. हम तो केस नंबर टू, k
theta is equal to tangent inverse m1 minus m2 divided by 1 plus m1 into m2. Tangent inverse, तो shift करें, tangent theta is equal to m1 minus m2 divided by 1 plus m1 into m2. Theta is 45. ये हो गया भाई tangent 45 degree is equal to m1, it is equal to minus 2 plus 3k divided by 7 plus 2k minus into minus 2 upon 3, it is m2, divided by 1 plus m1, it is equal to minus 2 plus 3k divided by 7 plus 2k into minus 2 upon 3. Now tangent 45 is 1. Shifting karne. 1 plus 2 into 2 plus 3k divided by 3 into 7 plus 2k. राइट साइड पे जो डिनोमिनेटर है इसे आपने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया है, ये लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. नाउ इट इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 3k डिवाइडेड बाय 7 प्लस 2k माइनस इनटू माइनस प्लस 2 अपॉन 3. एलसीएम लें तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 2k, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 2k प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 3k. तो राइट साइड पे भी आप एलसीएम लें, 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 2k ये हो जाएगा माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 3k प्लस 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 2k. अब ये 3 तो दोनों साइड से कैंसिल हो गया, बाकियों को आप सिंप्लीफाई कर लें, ये हो जाएगा 21 प्लस 6k प्लस 4 प्लस 6k डिवाइडेड बाय 7 प्लस 2k माइनस 6 माइनस 9k प्लस 14 प्लस 4k divided by 7 plus 2k. It is equal to 12k plus 25 divided by 7 plus 2k is equal to 14 minus 6, it is 8 minus 5k divided by 7 plus 2k. Cross multiply karein. 12k plus 25 is multiplied by 7 plus 2k is equal to 8 minus 5k is multiplied by 7 plus 2k. Shifting कर दें तो 12k plus 25 into 7 plus 2k minus 8 minus 5k into 7 plus 2k is equal to 0. 7 plus 2k can be taken common. Baki bach jayega 12k plus 25 minus 8 minus 5k is equal to 0. It becomes 7 plus 2k
multiplied by 12k plus 25 minus 8 plus 5k is equal to 0. So 7 plus 2k multiplied by 17k plus 17 is equal to 0. Either 7 plus 2k is equal to 0, so 2k is equal to minus 7, so k is equal to minus 7 upon 2, or 17k plus 17 is equal to 0, so 17k is equal to minus 17, so k is equal to minus 17 upon 17, k is equal to minus 1. तो आपके नोटिस में ये बात आ गई होगी कि k इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 2, ये पहले भी था, ये अब भी है, इसका मतलब इससे तो सेम रिजल्ट मिलेगा। देयरफॉर equation alpha क्या थी, equation alpha 2x plus 3y 2x plus 7y minus 8 plus k multiplied by 3x plus 2y plus 5 is equal to 0. So 2x plus 7y minus plus k. K ki first value minus 2. It is 3x plus 2y plus 5 is equal to 0. So ye result aaya tha. After simplification, it becomes x plus 3 is equal to 0. आप ये एरो मत लगा दीजिएगा, आप थोड़ी सी मेहनत कर लीजिएगा। Again consider 2x plus 7y minus 8 plus k multiplied by 3x plus 2y plus 5 is equal to 0. So 2x plus 7y minus 8 plus k is equal to minus 1, second value, multiplied by 3x plus 2y plus 5. Now it is equal to 2x plus 7y minus 8 minus 3x minus 2y minus 5 is equal to 0. It becomes minus x plus 5y minus 13 is equal to 0. Minus 1 can be taken common, you left x minus 5y plus 13 is equal to 0. X minus 5y plus 13 is equal to 0 divided by minus 1, it is equal to 0. ये भाई टाइप्स खत्म हो गए। यानी 8 टाइप्स खत्म हो गए। अब आपको एक कहानी सुनिए। फर्ज करें ट्रायंगल के वर्टिसेस आपको गिवन है। मैं एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 12
एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 12 आपको याद होगा, उसमें कहा गया था फाइंड इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड फ्रॉम ए या फ्रॉम बी या फ्रॉम सी. फाइंड इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड फ्रॉम बी पूछा. क्या काम किया गया था? काम ये किया गया था भाई के एसी का स्लोप फाइंड किया गया था. फिर एसी के स्लोप को यूज करते हुए आपने अल्टीट्यूड का स्लोप फाइंड किया बाय यूजिंग प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इज इक्वल टू -1. उसके बाद इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड फाइंड की थी बाय यूजिंग y माइनस y1 इज इक्वल टू m प्राइम इनटू x माइनस x1. आपको पॉइंट मालूम बी एक्स वन वाई वन, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर मालूम, इसका मतलब इक्वेशन ऑफ फर्स्ट अल्टीट्यूड विच इज ड्रॉन फ्रॉम बी, ये आपको मालूम. मैंने शायद आपसे कहा था कि अल्टीट्यूड्स के इंटरसेक्शन को कहा जाता है ऑर्थो सेंटर. डिवीजन ऑफ सेंटर तो आपको एडवाइस किया आप एक और अल्टीट्यूड फाइंड कर लें. फर्ज करें सी से आप एक अल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, सेकंड अल्टीट्यूड भी फाइंड करें. इन दोनों अल्टीट्यूड्स को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो जो इंटरसेक्शन होगा यही इंटरसेक्शन ये कहलाता है ऑर्थो सेंटर. ये ऑर्थो सेंटर फाइंड करने का एक तरीका. दूसरा तरीका वो अब हम पढ़ेंगे. एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 15. अब उसमें वर्टिसेस गिवन नहीं है. आपको ट्राइंगल की तीनों साइड्स L1, L2 और L3 गिवन. आपसे कहा गया फाइंड अल्टीट्यूड. L1, L2 के इंटरसेक्शन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें. L2, L3 के इंटरसेक्शन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें. इन अल्टीट्यूड्स की इक्वेशन फाइंड करें और फिर उन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स यानी ऑर्थो सेंटर मालूम करें. ये सोचने के लिए मैंने दिया है कि अगर आपको वर्टिसेस मालूम नहीं है, आपको साइड्स की इक्वेशंस मालूम, आपको अगर अल्टीट्यूड्स की इक्वेशंस फाइंड करनी है और फिर उन इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है, क्या करें? ये आप लोग गौर फिक्र कीजिएगा. मैं सिर्फ ये हिंट दे सकता हूँ कि इसमें L1 प्लस K टाइम L2 यूज करके आप अपने काम को बहुत ही सिंपल बना सकते. मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा गौर करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे. ओके, थैंक यू वेरी मच.